और ये हैं ये स्टैचूज सबके जिसने भी आज़ादी में शिरकत की थी। चलता कैसे होगा, घोड़ा भी नहीं है इसमें। कायदादम के साथ कौन बैठा है ये? और ये जी बैठे हैं कायदादम अपने वकील के लिबास में, अपनी ऑफिस में शायद बैठे हैं। और ये बैठे हैं सामने मोहम्मद अली जना अपनी बहन फातिमा जना के साथ, पता नहीं क्या गपशप हो रही है। और ये सामने पता नहीं क्या है, कायदेआज़म ऊपर खड़ा है, उसके साथ अंग्रेज भी है, और सामने फातिमा जिना बैठी है। और ये पता नहीं कौन है यार, झंडा लेकर खड़ा है। और ये पता नहीं कौन सी साजिश रच रही है यार, सब बैठे हैं यहाँ एक कतार में, बिल्कुल रियल लग रहे हैं यार पीछे। और ये सामने एक औरत बैठी है रोटी पका रही है, और उसके सामने एक बंदा खड़ा है, पता नहीं क्यों खड़ा है। और ये देखिए कायदेआज़म गांधी को बोल रहा है आगे मत आना वरना एक लपड़ मारना। और ये है गांधी, लगता है कुछ मांग रहा है। एक कायदेआज़म एक चश्मे वाला आधा चश्मा, उसके पीछे दो तीन लोग। और ये जा रहे हैं कायदेआज़म और फातिमा जिना, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं घोड़ों पे। और ये है जी लाहौर रेगुलेशन, सामने खड़े हैं कायदेआज़म मोहम्मद अली जना, पर पता नहीं क्यों इनका एक चश्मा पहना हुआ है, दूसरी साइड नहीं है। और ये सामने खड़ा है मोहम्मद अली जना, पता नहीं क्यों गांधी को हाथ दिखा रहा है। और ये है जी बानी है पाकिस्तान का कमरा, कायदेआज़म मोहम्मद अली जना ये बैठे हैं सामने कायदेआज़म, और ये उनका कोट और उनका सामान। और ये है सामने आलम इकबाल, पता नहीं किस सोच में बैठे हैं। और ये है उनके कुछ सामान। और ये है जी आलम इकबाल, ये इस वक्त अलाहाबाद में अपनी एड्रेस कर रहे हैं लोगों को। और ये सामने बैठे हैं अलामा इकबाल, हुक्का पी रहे हैं। और ये हैं अलामा इकबाल मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए। और ये सामने एक बंदा खड़ा है जो एक अंग्रेज़ को गोली मार रहा है, पता नहीं क्यों मार रहा है। और ये है सामने सर सैयद अहमद खान, तहरीक आज़ादी, वाह। और ये है जी मुग़ल पीरियड, यहाँ सारे मुग़ल बैठे हैं। ये सामने पता नहीं कौन अंकल बैठे हैं। और ये है पेड़, और ये मोहतरमा कौन है पता नहीं इसका भी। और ये सामने कौन बैठा है दाढ़ी वाला। तो ये हैं जी कुछ स्टैचूज, नाम तो पता नहीं इनके, लेकिन अरे ये गांधरा गांधारा पता नहीं क्या लिखा है। यार इसकी तलवार देखें, मुझे देखें इसकी, ये है शहनशाह आलम, और ये है शहनशाह, ये है अकबर।
स्टैचूज तो ये है जी म्यूजियम, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम। यहाँ हर जगह स्टैचूज पड़े हैं, स्टैचूज ही स्टैचूज। तो ये है सामने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम, और इसके सामने ही है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, और सामने आगे जंगल है और नीचे शहर है। और ये सारा है जी। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, ये जो चार कर्व्स हैं ये शो करती है सिंध, पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान को, और वो तीन छोटी भी किसी ना किसी को शो करती हैं। तो ये है जी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, और वो है सामने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं आप जैसे लोग आए हैं यहाँ देखने, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने, और कई लोग तो फोटोग्राफी करते हैं जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं फोटोग्राफी इधर। तो ये है जी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, टिकट मिलती है आपको 20 रुपए की, और ये है इसका व्यू।